हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इनमें से अब तक वह 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना अभी शेष है। भगवान विष्णु के 10 अवतार इस प्रकार है। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार उनके 10 अवतारों में से एक एवं प्रथम है। यह अवतार भगवान ने वेदों को बचाने के लिए और असुर हयग्रीव को मारने के लिए धारण किया था। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, जिसे कच्छप अवतार भी कहते हैं। कूर्म के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। तीसरा अवतार है वराह अवतार। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा के नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रख कर वह पृथ्वी को बाहर ले आए। नरसिंह अवतार को पुराणों में भगवान विष्णु का चौथा अवतार माना गया है, जो आधे मानव एवं आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु का वध किया था। वामन विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार थे। इन्होंने तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर चुके असुर राजा बलि से 3 पग भूमि दान मांगकर तीनों लोकों को प्राप्त कर देवराज इंद्र को सौंप दिया था। भगवान परशुराम भार्गव वंश में जन्मे भगवान विष्णु के 6 अवतार हैं। सहस्त्र अर्जुन जैसे मध्यांध का वध करने के लिए ही परशुराम अवतरित हुए थे। परशुराम के जन्म का नाम राम माना जाता है, लेकिन शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण वह परशुराम कहलाए। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था, उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से 7वें अवतार भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में 9वां अवतार लेकर अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। अपने मामा कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ बताया गया है। जब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी, तब भगवान बुद्ध ने दैत्यों को उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। उसके बाद फिर धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे, कहां लेंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनका वाहन क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। देश में कल्कि अवतार के कई मंदिर हैं। भगवान विष्णु का यह पहला अवतार है जिन्हें अवतरित होने से पहले ही पूजा जाने लगा है। हमारी अगली वीडियो में हम बताएंगे कि किस स्थान पर होगा भगवान कल्कि का जन्म।